हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। जैसा कि आप लोगों ने रिसेंट में न्यूज देखी होगी कि कई सारे नए प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया गया है, तो हम लोग आज की क्लास में इसमें देखेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, कैसे दिया जाता है और किस किस प्रोडक्ट को रिसेंट में दिया गया है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स रेस करने के लिए या फिर हम तक कॉन्टैक्ट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि जीआई होता क्या है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट किसी एक प्लेस के लिए, किसी एक स्थान विशेष का जब इंपॉर्टेंस दिखाना शुरू कर देता है, या फिर कोई एक प्लेस जिस गुड के कारण, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के कारण जाना जाने लगता है, उसको ही हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। लेकिन इसके लिए उस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड होना, पेटेंट लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स आर डिफाइंड एज दैट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रेफरिंग टू अ कंट्री और टू अ प्लेस सिचुएटेड देयर इन एज बीइंग द कंट्री और प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जहां का भी वो प्रोडक्ट होता है वहीं पे इसको इंडिकेशन दे दिया जाता है। टिपिकली सच अ नेम कन्वेज एज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टनेस विच इज इसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू द फैक्ट ऑफ इट्स ओरिजिन इन दैट डिफाइंड ज्योग्राफिकल लोकैलिटी, रीजन और कंट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, उस लोकेशन पे ही वो इंपॉर्टेंस अपनी बता रहा होता है। प्रोविजंस ऑफ जीआई के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, और इसमें ना सिर्फ हम लोग नेशनल बट इंटरनेशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आ जाती है हमारी अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 10 ऑफ पेरिस कन्वेंशन For the protection of industrial property, geographical indications are covered as an element of intellectual property rights. तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की चीज है कि ये पेरिस कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इस प्रॉपर्टी राइट के लिए, आईपीआर के लिए। इसके अलावा हमारी गैट की एक उरुग्वे कन्वेंशन भी है, उरुग्वे राउंड ऑफ कन्वेंशन भी है, जिसको कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। They are also covered under Article 22 to 24 of the TRIPS, that is Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, जो कि GATT का एक agreement है, जो कि Uruguay Round of Negotiation के बाद से ये frame में आया था। तो चूंकि इंडिया WTO का एक member बन चुका था, तो इंडिया को भी इस तरीके के provision अपने country में करने थे, और इंडिया ने 1999 में एक एक्ट के जरिए किया, जो कि अल्टीमेटली 2003 में फोर्स में आया। और ये एक्ट का नाम क्या था? एक्ट का नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जैसे हुआ क्या था, नासिक की रेड वाइन भी काफी फेमस है, तो नासिक ने क्या किया था, यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने शैंपेन नाम से रेड वाइन निकालना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि शैंपेन, जो कि फ्रांस कैटेगरी है, उसको जब पता चला तो फिर नासिक के प्रोड्यूसर को उन्होंने एक ईमेल कर दिया। इनफैक्ट ईमेल क्या, इन्होंने एक चार्ज इनके ऊपर, पेटेंट को, लॉज को वायलेट करने का चार्ज लगा दिया। बाद में पता चला कि एक्चुअल में शैंपेन इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ फ्रांस। शैंपेन वहां की एक सिटी है और वहां पर यह प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी वजह से उसका नाम शैंपेन पड़ गया। तो हालांकि बाद में दोनों लोगों के बीच में नेगोशिएशंस हुई, कुछ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बाद अल्टीमेटली वो विवाद सुलझा दिया गया था। लेकिन यहां से हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहीं पर दे दिया गया है, पेटेंट हो गया है, तो वो केवल और केवल उस लोकेशन के लिए ही निर्धारित हो जाता है। इससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की डुप्लीकेट या उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इधर उधर की चीजें हैं, वो खत्म हो जा रही होती हैं। द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग इंश्योर्स दैट नन अदर देन दोज रजिस्टर्ड एज ऑथराइज्ड यूजर्स और एटलीस्ट दोज रिसाइडिंग इनसाइड द ज्योग्राफिकल टेरिटरी आर अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। क्लियर हो गया। इसके अलावा जैसे देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, और वो दिया गया था
2004-2005 के बीच में, और उसके बाद से आज तक में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा चुका है। हर साल ही कुछ नहीं तो तीन चार लोगों को दिया ही जा रहा होता है, और आज की डेट में मोर देन 300 प्रोडक्ट्स आर देयर विच हैव देयर जीआई टैगिंग विद इन इंडिया। तो अगर हम लोग देखें कि क्या चीज है जीआई, तो हम लोग ऑलरेडी समझ गए हैं इसके बारे में। तो अब जीआई के बारे में ये आता है कि जीआई को रजिस्टर कैसे किया जाए, कैसे इस तक रीच आउट किया जाए, क्या केवल और केवल मिनिस्ट्री के दौरान से हो सकता है, या मिनिस्ट्री की तरफ से ही हो सकता है, या फिर कोई भी प्राइवेट प्लेयर भी कर सकता है। तो इसके लिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेटेंट रहती है जहां पर आपको एप्लीकेशन देना होता है, ये आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और प्राइवेट बॉडी बन करके भी आप दे सकते हैं। आप एप्लीकेशन देने के बाद एक छोटी सी अमाउंट होती है, उस अमाउंट को फुलफिल करने के बाद तब जाकर के पेटेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है वो देखेगी, देखने के बाद अल्टीमेटली उसको एक आध दो साल में दे दिया जाता है पेटेंट, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। दिए जाने के बाद एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री दे दी जाती है। अगर उस मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमारी मिनिस्ट्री कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो की आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। और ये पूरी की पूरी जो चीज है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से। क्लियर हो गया होगा आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या है और कैसे इसको रजिस्टर किया जाता है। अब आपने जो रिसेंट में न्यूज देखी होगी वो कुछ इस तरीके की न्यूज देखी होगी, जहां पर आपको ये एक मिठाई की फोटो देखने की मिली होगी जिसका नाम है कोवी पट्टी कढ़ाई मिठाई, जो कि तमिलनाडु को दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। इसके अलावा टेराकोटा ऑफ गोरखपुर को भी दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, फिर दिया गया है मणिपुर की ब्लैक राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, और लास्ट में दिया गया है कश्मीर के सैफ्रॉन को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। अगर हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करना शुरू करें कुछ इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस मिठाई के बारे में, जो कि नाम है कोविल पट्टी कढ़ाई मिठाई। ये तमिलनाडु की है, इसको मल्लाटाई केक के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा ये फेमस है और काफी ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है इन द कंट्रीज ऑफ मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, यूके, वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड यूएसए में। अगर बात करें बनता कैसे है, तो देखिए ये यहाँ की जो ग्राउंड नट है, जो मूंगफली है, उससे और जैगरी से यानी गुड़ को मिला करके रोस्ट करके तब जाकर के बनाया जाता है। ये नॉर्मल आम जगह पर भी आराम से मिल रहा होता है, स्क्वायर के शेप में या सर्कल के शेप में, तो अलग अलग शेप में ये दे दिया जाता है। लेकिन ऑल दो हर जगह पर मिलता है, बट इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ये तमिलनाडु में है। और ये आया क्यों यहां पर, क्योंकि यहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लैक सॉइल के कारण से ही जो ग्राउंड नट है उसमें एक अलग टेस्ट आता है, और उस टेस्ट का ही एक्चुअली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लिया गया है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी दूसरी आती है, और वो आती है गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर टेराकोटा के बारे में अगर बात करें तो ये आ जाती है जहां पर मिट्टी के या फिर टेराकोटा के अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। वो कैमल के शेप के भी हो सकते हैं, वो हाथी भी हो सकती है, वो अलग अलग तरीके की हो जाती है। यहां पर क्ले यूज की जाती है और साथ में कुछ कलर यूज कर लिया जाता है, और इस तरीके से ये मैन मेड मैनुअल तरीके से बनाई जा रही होती है। अगर इस ट्रेडिशन के बारे में बात करें तो ये ट्रेडिशन सालों साल पुरानी है, सेंचुरीज ओल्ड है, और अब जाकर के इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है। सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इंक्लूड द हावदा एलिफेंट, महावतदार हॉर्स, डियर, कैमल, फाइव फेज गणेशा, सिंगल फेज गणेशा, एलिफेंट टेबल एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हो जा रही होती हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है, वो आ जाती है मणिपुर की ब्लैक राइस। एक्चुअल में इस ब्लैक राइस का नाम बोला जाता है चक हाओ ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। द एप्लीकेशन ऑफ चक हाओ वॉज फाइल्ड बाई कंसोर्टियम ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ चक हाओ ब्लैक राइस, मणिपुर के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा अप्रूव करके तब जाकर के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है।
अभी अगर हम लोग टेराकोटा के बारे में जो बात किए थे वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, लक्ष्मी मैन्युफैक्चरर ने किया है, तो हालांकि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर जानने की जरूरत है कि ये प्राइवेट और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट दोनों के द्वारा किया जा सकता है। चखाओ के बारे में अगर डिटेल के बारे में बात करें तो ये एक सेंटेड ग्लूटिनस राइस है विच हैज बीन कल्टिवेशन इन मणिपुर ओवर सेंचुरीज, इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स स्पेशल एरोमा। तो इसमें क्या होती है, एक अलग तरीके की सुगंध आ रही होती है जो कि ग्लूटिन फ्री होता है। ग्लूटिन फ्री कहने का मतलब है कि इसमें आपस में जो भी कोहेसिवनेस होती है, जो चिपक होती है, वो नहीं होती है, और इसी कारण से ये कई बार मेडिसिनल यूज में भी इसका यूज कर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर हैज हाई विटामिन एंड मिनरल कंटेंट एंड इज ग्लूटेन फ्री। इट इज सेड दैट द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंथोसायनिन विच इम्पार्ट कलर टू द राइस ऑल्सो गिव इट ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और इसी वजह से इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में तो ये देखिए इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, और इसी कारण से केवल और केवल इसको फीस्ट के दौरान में, त्योहार के दौरान में, या फिर अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी केवल इसको यूज किया जा रहा होता है। आगे बात करें अगर तो आगे हमारी दूसरी हो जाती है सैफ्रॉन के बारे में, कश्मीर सैफ्रॉन। आपने इसके बारे में तो काफी ज्यादा सुना होगा, केसर काफी ज्यादा फेमस है कश्मीर में, और कई बार इसको मार्केट में लाया जाता है जम्मू कश्मीर से ट्रांसपोर्ट करके। ये केवल और केवल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। तो कश्मीर सैफ्रॉन के बारे में बात करें तो इट इज कल्टिवेटेड इन द करेवास जिसे हाईलैंड बोला जाता है ऑफ पैम्पोर इन साउथ कश्मीर। इट हैज बीन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन राइट अस ऑन recognitionis@gmail.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।